सपोज एक हेमिस्फेयर है, एक हेमिस्फेयर का ये एक्सिस है, हेमिस्फेयर रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, हेमिस्फेयर रोटेट कर रहा है विद ओमेगा, ठीक। इमेजिन करो एक यहाँ पे इंसेक्ट है, इंसेक्ट तो नीचे था पर आपने हेमिस्फेयर इतनी तेज घुमाया कि वो ऊपर चढ़ता जा रहा है, क्यों? कैसे? हेमिस्फेयर मतलब इंसेक्ट नीचे आराम करे ना, हेमिस्फेयर घूम रहा है, इंसेक्ट को किसने घुमाया है? सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल उसको बाहर फेंक रही है तुम, क्योंकि जगह तो है नहीं, कर्व है, वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। तुम और तेज घुमाओगे वो और ऊपर आके घूम रहा है, ऐसा नहीं कि घूम नहीं रहा, साथ साथ घूम रहा है पर इस लेवल पे घूम रहा है। तुम और तेज घुमाओगे उसका लेवल और ऊपर हो जाएगा घूमने का, तुम और तेज घुमाओगे और ऊपर घूमेगा, तुम और तेज घुमाओगे वो बाहर निकल जाएगा, हाँ रेडियस बढ़ेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? पर मैंने सपोज करो इसको ऐसे घुमाया, मैंने ऐसे घुमाया कि वो हेमी स्फेयर के अंदर इंसेक्ट बस ऐसे घूम रहा है, हेमिस्फेयर में इंसेक्ट बस इस रेडियस में घूम रहा है, ठीक। आपको फिर से टाइम पीरियड बताना है। इस क्वेश्चन में क्या होगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर इस इंसेक्ट का जो वेट है वो कितना होगा? mg, वेट mg ड्रॉ करते जाएं प्लीज। तो इंसेक्ट जो है वो mg वेट है इसका। एक चीज याद रखना इस टाइप के प्रॉब्लम में, हेमिस्फेयर का सरफेस कर्व है और इस सरफेस का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा कहां से पास करेगा? हेमिस्फेयर के सेंटर से। ये रूल है, ये रूल है सेंटर से। अगर आपको याद हो 10th का ऑप्टिक्स, कोई भी स्फेयर लो, स्फेयर के ऊपर जब भी तुम एक सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, वो हमेशा स्फेयर के कहां से पास करेगा? सेंटर से। ये रूल है, कोई भी हेमिस्फेयर या स्फेयर का रूल है, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है। तो हेमिस्फेयर का भी नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर। तो अगर मैं इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो नॉर्मल कहां से पास होने वाला है? उसके सेंटर से। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप क्लियर है? तो तुम चाहे यहां इंसेक्ट लो चाहे यहां लो, नॉर्मल रिएक्शन आपने कहां से पास करवाना है? सेंटर से। ये रूल याद रहेगा यहां तक। नेक्स्ट है, सपोज ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पे घूम रहा है, ठीक। और लेट अस सपोज एन के कॉम्पोनेंट्स हैं ये रे, ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो ये क्या बनेगा? एन कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा? एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, क्लियर है यहां तक? तो एन कॉस थीटा एन साइन थीटा क्लियर है। और हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, हेमिस्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है। अगर मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं ये रेडियस, ये देखो, ये लो, ये रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। तो इस इंसेक्ट का रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन क्या होगा? अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो क्या बनेगा? साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या होगा? आर साइन थीटा, क्योंकि तुम्हें हेमिस्फेयर का कैपिटल आर गिवन होगा, इंसेट का रेडियस नहीं गिवन होगा। तो इंसेट के रेडियस के लिए आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल आर साइन थीटा। कोई डाउट इसमें? अब पहली क्वेश्चन बोलो क्या बनेगी? एन कॉस थीटा, ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, क्लियर है? एन कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। कौन इंसेक्ट को सेंट्रीपेटल प्रोवाइड कर रहा है? एन साइन थीटा इज इक्वल टू इंसेक्ट का मास आर ओमेगा का स्क्वायर। लेकिन आर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना? कैपिटल आर साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर, साइन साइन कैंसल, तो एम आर ओमेगा का स्क्वायर। इस एन को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कैंसल, तो ओमेगा की वैल्यू यहां से आ गई जी बाय आर कॉस थीटा, और यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ जी बाय आर कॉस थीटा। ओमेगा क्या होता है? 2π/T जी बाय आर कॉस थीटा, तो कैपिटल टी का फॉर्मूला आ गया आर कॉस थीटा बाय जी। तुम्हें ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही इसको देखते हुए? ये क्वेश्चन किया हुआ है, क्या हुआ है ना, क्या हुआ है बोलो, कहाँ किया ये क्वेश्चन, कहाँ किया है? अब भी किया,
कॉनिकल पेंडुलम, ये देखो, ये देखो कैपिटल आर पुट किया एल की जगह, वो देखो फॉर्मूला भी तो सेम आया, एल कॉस थीटा बाय जी की जगह आर कॉस थीटा बाय जी, सेम है कॉन्सेप्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अंदर से देखो कॉनिकल पेंडुलम बन गया, बस फर्क क्या है कि टेंशन टी की जगह नॉर्मल रिएक्शन एन की फॉर्म में चल रहा है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो अच्छा है ना, एक क्वेश्चन के दो ही आंसर है, एक जैसे आंसर है दोनों के।